सुनी होनी है जी साहब, एक बीबी आई अपने घर वाले की शिकायत लैके, हजूर मेरा खामद अपने दोस्तों को बड़ा बुला लेंगे घर से, तो मैं खाने पका पका थक गई हूँ, तुझे मना करो उन्होंने कि वो एडे दोस्त ना ले आया करे, मैं थक जानी हूँ रोटी पका पका के। आप मुस्कुराए हजूर कि उस बीबी ने क्या अच्छा तुमने घर जाओ, तो चली गई। आपने तो खामद ने बुलवाया, बुला के क्या कि अपनी घरवाली कहीं जाके कि अज की रात की दावत मुहम्मद मुस्तफा वो उनका मेहमान हुए, मैं मेहमान हुआ। वो बड़ा खुश हुआ साहब जी, मैं क्या हजूर जा के फटाफट कर भी दसिया कि वो बीबी जी दोस्तों को तंग सी, जो उन्हें हजूर का नाम सुनिया तो बहुत खुश हुई, खुद हजूर का नसर सी तशरीफ ले आएंगे, इस बार प्योर की सादे चाहिए। उन्हें सत रंगी खाने बनाए बेहतरीन, सोना दस्तरखान सजाया, आके तो जहाँ चंद खास साहबा देना तशरीफ लाए, हजूर बैठे खाना तरावत फरमाया, खुश हुए, हजूर ने दुआ दी, दुआ दे के उस बीबी ने किया जो जान लगे कि जब मैं तेरा बुआ लग के जावा वापस तो मैंने पिछों वेख दे रही। हजूर जो दरवाजे तो निकले थे उस बीबी बुए तो खिलो गई तो हजूर ने देखती रही, वो क्या देखती है कि जो हजूर निकले तो अपने नाल ना पीछे वो कारे क्यों ना बड़े बिच्छू सप कीड़े मकौड़े सारे हजूर के पीछे पीछे निकल के जाते पे। हजूर थोड़ा दूर गए तो दूर जाकर उस बीबी ने मुखातिब किया कि जिमें अज मैं खुश होकर तेरे घरों गया तो सब सरूड़े निकल गए ने, इवें जो कोई मेहमान तेरे घर आता और खुश होकर जाता है तो जान वेले सारी मोदी तकलीफा बीमारियां बावा नाल लै जांदे अल्लाह। अज तो बड़े खुश होकर गए हैं सारे कि साडा इतकाद ईमान है कि सारिया बीमारियां नाल लै गए होने, क्यों परिवार नाल रमजान भी सी अफतारी भी सी दावत भी अच्छी हो गई, तो अल्लाह बरकत भी डाले दस्तरखान भी और हमेशा अल्लाह पाक इस तरह सोना रिजक इसकी बेहतर।